अस्सलाम वालेकुम। आज हम रोयो प्लांट को कटिंग के ज़रिए ग्रो करेंगे। और रोयो प्लांट के बारे में तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं एक वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ उस पर, है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इंडोर प्लांट है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये इंडोर प्लांट नहीं है, ये आउटडोर प्लांट है। लेकिन ये आउटडोर भी कभी कभी ग्रो कर जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सनलाइट ये बर्दाश्त नहीं करता है। और जब हम इसको इंडोर रखते हैं, यानी ऐसी जगह पर जहाँ नॉर्मल लाइट आती हो, वहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। आप मेरे प्लांट देख सकते हैं, इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। ये वाले प्लांट को देखिए आप, इस वाले प्लांट को कितनी ज़बरदस्त की ग्रोथ है। और ये मेरी ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। और इस पर मैं आपको एक वीडियो भी पहले मैंने आपको सिखाया था कि इसको प्रोपगेशन कैसे करेंगे। इस प्लांट को ओइस्टर प्लांट भी कहते हैं, इसको बोट लिली भी कहते हैं, इसलिए इसमें फ्लावर जो निकलते हैं वो बोट की शक्ल में निकलते हैं। और मेरी जो कटिंग से मैंने जिसको प्रोपेगेट किया था, तो मैंने इसके प्लांट्स सेपरेट किए थे और मैंने लगाया था इस वाले पॉट के अंदर। यानी समझिए कि इस वक्त प्लांट बहुत कम थे, लेकिन अब इसके अंदर मज़ीद प्लांट निकल आए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि छोटे छोटे से बेबी प्लांट भी इसके मुसलसल निकल रहे हैं। ये देखिए, ये वाला प्लांट जो है ना, देखिए नया निकला है। ये देखिए, छोटा सा नया प्लांट निकला है। और बहुत जल्दी जल्दी तो इसके प्लांट नहीं निकलते, थोड़ा सा टाइम लेते हैं बेबीज़ निकलने में, लेकिन जो निकलते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जल्दी बड़े हो जाते हैं, बड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं इसके प्लांट। और मुझसे किसी ने कहा भी कि आप इसको कटिंग के ज़रिए ग्रो करें, इसलिए कि होता ही है कि एक प्लांट हम ले आते हैं तो दिल चाहता है कि जल्दी जल्दी बहुत सारे प्लांट तैयार कर लें। तो मैंने आज आपको सिखाना है कि हम किस तरह इसको कटिंग के ज़रिए ग्रो करेंगे। तो चलिए, इसमें से जो सबसे बड़ा प्लांट है ना, हम उसी को कटिंग के ज़रिए ग्रो करते हैं। ये है सबसे बड़ा प्लांट, और देखिए कहाँ से आया है। ये यहाँ से होता हुआ आया है, और हम यहीं से इसको आपको मैं कटिंग से ग्रो करना सिखाऊंगी। अच्छा, इसके लिए जो है मैंने जो सॉइल ली है वो आप देखिए, वेल ड्रेन सॉइल ली है। इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल बहुत पसंद होती है, यानी पानी ये बर्दाश्त नहीं करता। अगर आपने रोई प्लांट को अंदर पानी को समझ गए आपके किस तरह पानी डालना है, तो समझिए आपने प्लांट लगा लिया अपने घर में। तो ये प्लांट जो है वो पानी नहीं बर्दाश्त करता है, तो लिहाजा इसकी सॉइल हम बहुत वेल ड्रेन लेते हैं। ये जो मैंने सॉइल ली है, इसके अंदर मैंने 50% सैंड लिया है और 50% मैंने अपनी घर की मिट्टी ली है, यानी वेल ड्रेन बनाया है। और वैसे मैंने आपको बताया है कि कटिंग ग्रो करने के लिए आप ओनली बालू मिट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं लगा चुकी हूँ और मुझे थोड़ा सा आइडिया भी है, लेकिन अगर आप लोग न्यू हैं तो आप लोग ओनली बालू मिट्टी लीजिएगा, बालू मिट्टी बेहतरीन होती है। तो चलें अब हम इसको कटिंग से ग्रो करते हैं। तो चलें, एक प्लांट ये जो मैंने आपसे कहा था ना बड़ा वाला हम लेंगे, तो ये जो बड़ा प्लांट है इसको जरा सा क्लियर कर लेते हैं, थोड़े से इसके लीव सूख गए हैं। तो चल यहाँ से हम इसको कट करते हैं, थोड़ा नीचे से ये पूरा पोर्शन लेंगे और हम इसको कट करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये देखिए, ये हमने पूरा ये बड़ा वाला प्लांट निकाल लिया है, इसको हम पीछे कर देते हैं और इसको लाते हैं। अब हमें करना क्या करना, ये है कि हमें इसको अंदर लगाना है, तो हमें इस तरह करना है कि ये ज़मीन पर टच ज़्यादा ना हो। सो हम इसके लीव्स थोड़े से कट कर देते हैं, ठीक है, थोड़े से लीव इसे कट कर देते हैं ताकि ये ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे हमें। ये देखिए, ये हमारा पूरा प्लांट हो गया। इसके नीचे की थोड़ी सफाई कर लीजिए, जो इसमें सूखे हुए हैं पोर्शन हैं उनको निकाल दीजिए, और बस देखिए हमने, और हमने इसमें इसको लगाना है। चलिए, इसको ऐसे करें, थोड़ा सा ये और गहरा कर लेते हैं, कैंची से कर लेती हूँ। चले मैं ऐसे करके इसको अंदर रखा हमने, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे करके ऐसे थोड़ी सी मिट्टी के अंदर जाना चाहिए इस प्लांट को। चले अब ये जो टच हो रहा है ना, इस तरह नहीं, मिट्टी में कुछ नहीं टच होना चाहिए। अब आप इसको ऐसे कवर कर दीजिए, इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, कोई एयर पॉकेट्स ना रहें इसके अंदर, बस। अब आपने इसके पानी का स्पेशली ख्याल रखना है, ठीक है। आपने अभी देखिए, मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, ये मैंने इसमें डाल दिया पानी, क्योंकि अभी हमने लगाया है। एक दफ़ा इसको अच्छे सा पानी दे दीजिए, नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। अब हमें इसके पानी का बहुत ख्याल रखना है, पानी हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। जब आप देखें ऊपर की मिट्टी खुश्क हो गई है, थोड़ी ड्राई हो गई है, आपको सफ़ेद सफ़ेद सी थोड़ी लगे, तो आपने पानी डालना है। वो भी इतना नहीं डालना जितना भी मैंने डाला है, पानी इतना डालना है कि थोड़ा सा ये मॉइस्ट हो जाए, थोड़ा सा डालना है। और ज़्यादा आपने डाल दिया तो आपकी कटिंग फ़ौरन ही ख़राब हो जाएगी,
सो आपने ये बहुत ख्याल रखना है। अब देखिए नीचे से पानी इसमें से निकल जाएगा, ये भी थोड़ी देर में देखिए यहाँ से बबल्स से निकल लें और ये पानी भी नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है वो इससे पहले लगाया था, इसी की और टाइप है, वो मैं एक छोटी सी कटिंग लेकर आई थी, मुझे किसी ने दी थी, तो देखिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप ये देख रहे हैं, ये भी इसी की एक टाइप है, इसमें जो है पीछे में लाइट पर्पल होता है, इसके अंदर तो देखें डार्क पर्पल है, देख रहे हैं ये डार्क पर्पल है, लेकिन इसके अंदर देखें आप वेरीगेटेड है, ये थोड़ा सा लाइट पर्पल है, थोड़ा सा चेंज है ये। और ये छोटी सी कटिंग थी समझिए, ये जो तीन पत्ते निकले हैं ना, ये तीन लीव्स निकले, ये एक दो तीन, ये तीनों नए निकले हैं। अब आप देखें इसके अंदर मैंने लगाया हुआ है आम मट्टी ली है, जो गार्डन की सॉयल मैंने उसी वक्त दिल्ली से ले ली थी, और सिर्फ पानी का मैंने ख्याल रख लिया है, उसको शेडी प्लेस में रखा है। और आप देखिए कि अभी मेरा लग चुका है, लेकिन अभी मैं इसको निकाल नहीं रही हूँ, मैंने कहा चले थोड़ा सा इसको और बड़ा होने दें, फिर मैं ये कप को कट कर दूँगी और निकाल लूँगी। सिर्फ मैंने इसका पानी का ख्याल रखा है और शेडी प्लेस में रखा है। आते जाते चेक करती थी, जब पानी थोड़ा सा कम हुआ, ऊपर से सफ़ेद सा हो गया, तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, थोड़ा सा डाला, स्प्रे कर दिया कि बस नाम का जैसे कहते हैं ना इस तरह के, और ये मेरा प्लांट लग गया। इसे मैं अपडेट देती हूँ आपको, इससे पहले देखिए मैंने वेंडिंग टू लगाई थी, और अब आप देखिए ये कितने सारे हो गए हैं। आपको याद होगा मैंने थोड़ी सी 4-5 छोटी छोटी ब्रांचेस लगाई थी, और अब आप देखिए ये सारी इसमें भर चुकी हैं, इसमें से निकली आ रही हैं सारी, और अब जब ये बड़ी जाएंगी थोड़ी सी और, तो हम इनको हैंगिंग पॉट में लगाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी वीडियो कि हम इसको किस तरह निकालेंगे, और एक ही पॉट से हम बहुत सारे पॉट तैयार कर लेंगे। तो इस तरह कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, पानी का ख्याल और शेडी प्लेस का ख्याल रखना पड़ता है, और बस फिर हमारा प्लांट लग जाता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।